चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाए। कभी नींद से जाके कभी फिर सो जाए, ये भी कहना था जैसे क्योंकि हमारी आरा सो रही है ना। तेरे निगरानों में न कटिया दस मैं कि प्यार विचों खटिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम हवातीनों हजरात। आज सारे सोच रहे होंगे मैं शुरू किया है व्लॉग, न्यू व्लॉगर इन द टाउन। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ओहो, मैं कैसे बोल रही हूँ। तो वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज है हमारी तरफ वीकेंड और हम लोग ने सोचा थोड़ा ज़रा बाहर घूम के आए क्योंकि मौसम भी अच्छा है। सो आप लोगों के लिए नया व्लॉग भी बन जाएगा और हमारी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। और आयरा हमारे साथ ही है। तो अभी हम गुजर रहे हैं एक पगडंडी से सेंटर के रास्ते की तरफ जाते हुए। एक तरफ हमारे बह रहा है दरिया और दूसरी तरफ है रोड, तो शोर है बहुत ज़्यादा, लेकिन इधर मज़ा आ रहा है ना। आप देखें दरख्त हैं और थोड़ी छाँव भी होगी ना। हाँ, थोड़ी छाँव होगी, कभी धूप आ जाती है और रास्ता ऊंचा नीचा है, तो इसलिए हम वो गाना गा रहे थे ना, चलो चलो मितवा इन ऊंची नीची राहों में। ये चेक करें जरा, तेरा मुख वेखे रूह होई अदवानी, अखां विच नींदर ना पैंदी, दिल विच आ बैठी जान तैनूं निकले आशिक तेरे दी, किंज करां तारीफ तेरे चेहरे दी। समीन, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कशा नहीं है। वाह 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 जबरदस्त। मुझे तो अब लग रही है भूख, मैंने नाश्ता भी नहीं किया तो वाक भी हो गया आपकी। हाँ, मतलब वाक करने से और ज़्यादा भूख लगी है ना, अब जल्दी से चाहें कुछ खाएं। पहले सेंटर में जब भी आना होता है ना शॉपिंग सेंटर में, सबसे पहले खाने की जगह पर जाना चाहिए, हम तो ऐसे ही करते हैं। पहला स्टॉप हमारा जॉय एंड द जूस, अभी हम ये खाएं पियेंगे। ये है स्पाइसी टूना और ये पावर शेक। पावर शेक हमारी आएगी जान में जान। तो जॉय एंड द जूस की स्टोरी ये है कि यहाँ ना पहले सिर्फ हैंडसम लड़कों को जॉब दी जाती थी, ऐसे मतलब बॉडी शॉडी बनी हुई है, डोले शोले ज़रा निकले हुए हैं, तेज़ म्यूज़िक चल रहा है और वो आपके लिए जूस बना रहे हैं। फिर जब ये अखबारों वगैरह में आया इधर नॉर्वे में और लोगों को पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो फिर उस पर थोड़ा रिएक्शन आया। अब ये थोड़ा उन्होंने चेंज किया, अब लड़के लड़कियां दोनों काम कर रहे होते हैं, सोने अब भी होते हैं वो, लेकिन अब वो पहले की तरह ज़्यादा फोकस बॉडी पे नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अमीन अब चलें घर, आप आयरा को ले जाएं, तो मैं जरा ना घूम फिर के आती हूं, शॉपिंग करूं है पूरा दिन। मेरा ये होता है जैसे ही मैं सेंटर आता हूं, खाना खाता हूं, फिर मेरा दिल कहता है अब घर चलें। आयरा एंजॉय कर रही है ना शॉपिंग टूर का। आयरा से बातें करते हैं। आयरा कैसी हैं आप? ठीक हैं, क्या हुआ है? मूड ठीक नहीं है, ये लेनी है आपने? ये उसको पसंद नहीं आती वैसे। तो मेरे जो वायरलेस एयरबड्स हैं वो हो गए हैं ख़राब, तो अब मुझे क्योंकि एक तो मेरा मतलब सफ़र बहुत लंबा है जो काम पे आने जाने का, तो उनके बगैर तो गुजारा नहीं है, तो वो तो लेने पड़ेंगे, तो इसलिए अब एक नया खर्चा सर पे पड़ गया है। मेरे पास पहले सोनी वालों के थे एक और मॉडल, ये वाला नहीं, और उनकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही कमाल की थी। अब ये लूँ या ना लूँ देखता हूँ कौन से फिर मैं लेता हूँ। तो इस दफ़ा मैंने जाबरा वालों का इलाइट 7 लिया है। ये मैं पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ लेकिन बहुत पहले, सोनी वालों का पिछली बार इस्तेमाल किया था, इनके पास सोनी वालों का वो नहीं था जो मैं लेना चाह रहा था, तो थोड़ी इमरजेंसी थी ना, मतलब जल्दी लेना था आज ही,
पर कल छुट्टी का दिन है, परसों काम पे जाना है, तो इसलिए फिर अब ये लिया है। लेकिन ये भी इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है वैसे। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी बहुत टॉप क्लास होएगा। ਉਹ ਫੀਪਤੀਆਂ ਫੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀ ਦੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਤੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਦੇ ਆ ਡੱਬੀ ਟੰਗੇ ਮਾਊਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮ ਟੇਣ ਪੰਦਾ ਏ ਪੀ ਟੱਲੋ ਮੇਣ ਕੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸਾਲਟਾਂ ਦੇ ਰੌਂਦ ਵੈਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰੌਂਦ ਪੰਦਾ ਪੌਣਾ ਪੌਣਾ ਧਰਤੀ ਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸਾਲਟਾਂ ਦੇ ਰੌਂਦ ਵੈਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰੌਂਦ ਪੰਦਾ ਪੌਣਾ ਪੌਣਾ ਧਰਤੀ ਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਂਗੂ ਦਈਏ ਚੱਕ ਮੈਂ ਮੌਤ ਸਭੋ ਲੰਘਦੀ ਆ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਗ ਨਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਰੰਦੀ ਕੂਤੀ ਇੰਨੇ ਕੈਮ ਜੇ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਡੇਂਜਰਸ ਰਾਹ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰ ਰੱਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸਾਲਟਾਂ ਦੇ ਰੌਂਦ ਵੈਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦ ਬੰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਪਾਉਣਾ ਧਰਤੀ ਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं, अब हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, बहुत खूबसूरत जगह बैठने की, तो यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। और यस्मीन, आपको याद है कि पिछले साल समर में हम इसी जगह बैठ के हमने कुछ काफ़ी वगैरह पी थी? एक बार ही आए थे लेकिन आए तो थे ना। तो अभी मैंने ये कोका कोला का नया कोई टेस्ट लिया है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है वैसे, इंटरजेलेक्टिक, आई डोंट नो। तो अभी हम ये ट्राई करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा है जायका इसका। चलें आपको देखें, ज़रा टेस्ट करके बताएं कि कैसा है ये। जो आफ्टर टेस्ट है इसका वो थोड़ा अजीब सा है ना। हाँ, मतलब पीते हुए नहीं पता चल रहा। हाँ, लेकिन जब थोड़ा मुंह में बाद में जायका आता है ना, वो थोड़ा अजीब सा है। मीठा शरबत सा बन जाता है, अजीब सा खांसी वाला शरबत। अम्मी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ये बूटे लगा रहे हैं। वाह, ये अम्मी का शौक था है ना, कब से आप कह रहे थे, तो ये लगे बूटे? हाँ, बूटे लगे। आप खुश हैं आप? हाँ। ये एक पिछले व्लॉग में भी अम्मी बात कर रहे थे, तो यहाँ रखना चाहते थे अम्मी ये पौधे खूबसूरत। हम अभी घर पहुँचे हैं, तो अदीला बाबी की बाबी जो हैं वो आयरा के लिए गिफ्ट लेके पहुँची हुई थी। वाह, आयरा की तो मुझे लगी हुई है, लेकिन इस बार मुझे लगता है आयरा के साथ साथ में तो मेरी भी मौज है, मतलब मेरे लिए भी एक गिफ्ट आया हुआ है। क्या लिखा है? बेबीज रूम। इस पे क्या लिखा हुआ? इस पे तो बहुत कुछ लिखा हुआ। चलें बाद में पढ़ेंगे। तो ये इतने खूबसूरत कपड़े, इतने खूबसूरत गिफ्ट है, माशाल्लाह। हाँ, बहुत ज्यादा कपड़े नहीं होते जा रहे आयरा के? हम दुकान ना खोले अपनी। कितना साइज है इसका? ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन लिखा नहीं हुआ। हाँ, तो शायद ये भी थोड़ा बड़ा होगा, वरना अभी ईद पे पहन लेते हैं। बड़ी है ये भी है। हाँ, डायपर्स भी आ गए हैं। वाह, अभी लेके आए थे ये। सुन, लेगीज नहीं होती जैसे। अरे ये ये ज्यादा मजे की चीज है। ओहो, पासपोर्ट ये भी बना नहीं है जी। इसका मतलब है कि आयरा को छुट्टियों पे जाने की जरूरत है, बहुत थक गई है काम कर करके। और ये जैसे बैग पे नहीं आप लगा, सूटकेस वगैरह पे लगा सकते हैं। वाह, इसका मतलब तैयार है वो ट्रैवल के लिए है। और ये जुराबे, ये बहुत ज्यादा नहीं होगी? बहुत ज्यादा होगी, दुकान लगा लेना। ये तो थी आयरा की चीजें, अब हमारी चीज। और निकालो मेरी शर्ट। एक्साइटेड हो गया ना ज्यादा। तो ये शर्ट है, इस तरह का रंग मेरे पास नहीं है पहले, नहीं है, है ना। तो ये अच्छा है। अम्मी का भी है ये क्या? इसमें मेरा कुर्ता। हाँ, तो आपका है तो वो भी तो दिखाना है ना आपने, वो छुपा के साइड पे रख रही हो? नहीं, प्यारा है। मजे लग गई, रंग प्यारा बहुत। और ये है अम्मी के लिए सूट, जो कि एक्चुअली सिला हुआ नहीं है, है ना, लेकिन बहुत प्यारा है। वाह, नफीस सा लग रहा है। नफीस, कुर्बान जाऊं मैं आपकी उर्दू की। नफीस। तो बहुत बहुत शुक्रिया फरहान और तैयबा बाबी का।
इतने खूबसूरत गिफ्ट, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। और इधर प्याज काटे जा रहे हैं क्योंकि बन रही है आज बिरयानी, बिरयानी का दिन है आज, सैटरडे फेमस बिरयानी, माशाल्लाह। खाना ला के आ जाओ सारे, मुझे भूख लगी है। ओ मेरे नाल खड़ के तू बाली जा, तेरे बिना औखा कटा पल बलिए, मेरिया तू जना बिच जा मेरा जग, कर मेरे मसले दा हल बलिए, नी चैर तेरे ते पक टिकी मुटियारे, नी कबरू तेरे ते ओ शक्ता रौने कवारे, नी मुंडे तेरे ते तेरे ते। मुझे पता चला है कि आज अम्मी भी बिरयानी खाएंगे, है ना अम्मी? ये गाजरों का सालन है, इसमें आप बिरयानी डालें और फिर बिरयानी खाएं। सही है, गाजर है ना? हाँ, खाई जा सकती है, बड़ी मजे की बनी थी। चले खाए ना फिर। मैं आप बिरयानी क्यों नहीं खाते हैं, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन। नहीं ये क्या कोला हाथों होने वाला था जो आप लोगों ने इस बार से ज्यादा ज्यादा डाल दिया? नहीं, 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 ये क्या बहुत ज्यादा पींदी है, ये क्या बहुत ज्यादा पीता गया, ये बकर ने की है। कुछ नहीं आंदा बच्चा, ये गांव नहीं है, ऐसे तो कपड़ों में गिरेगा ना। युक्स है ये, कोई बात नहीं, मजाक ही कर रहे हैं। चीटर चीटर बकर, बकर फिर भी लगा हाथ हिला रहा है। इस वक्त मौसम हो रहा है इंतहाई किस्म का सुहाना, ठंडी हवा चल रही है और सूरज थोड़ा ना मतलब डूबने की तरफ जा रहा है। टाइम जो इस वक्त है वो 9 हो गए, 9 से ऊपर टाइम हो रहा है, तो अभी तक हम देख लें कि धूप छूप निकली हुई है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अदीला बाबी अबुबकर। किसके सालगिरह है? अयान की। अयान की सालगिरह वो इधर है ही नहीं। नहीं उसकी एक्चुअली तो मंडे को है ना। हाँ तो ये केक क्यों काट रही हैं आप अभी से? क्योंकि वो भी दो दो मुख्तलिफ किस्म के केक हैं। हाँ। एक तो चॉकलेट वाला है और एक माशिपान है। हाँ। क्योंकि कल उसकी नानो ने उसकी बर्थडे की थी, तो फिर कल वहाँ से जारी बात है, फिर केक लाना तो वहाँ से उठा के लेंगे। मतलब हमेशा मैं लेके आती हूँ केक ना, मैं इनका ख्याल करती हूँ, उठा लाती हूँ। किनका ख्याल करती है? हमारा मोटापा ज्यादा करने का ख्याल करती है। अकेले थोड़ी ना मैं खा सकती थी, तो केक उसका ले आए, काट भी हमारे यहाँ पर, बच्चा खुद घर पे नहीं है। किधर गायब है वो? वो वेकेशन पे गया स्वीडन। ओके, क्या वेकेशन पे किसके साथ गया? वो अपने मामू और कजन के साथ गया। आर यू श्योर? मुझे जो स्नैप आई शायद इनको नहीं आई होंगी। हाँ, और जो मुझे स्नैप्स आई है वो बकर को नहीं आई। ये आप दोनों मेरे हाल में फैसला कर लो कि किधर गया है। मैं उसको फूल देती हूँ बकर को, और हम फ्रेंड्स बनते हैं। अब आप फ्रेंड्स बन जाएंगे, लेकिन जो उसका इल्जाम लगा रहा है वो यान। अच्छा ऐसा कि मेरा जुबान बंद करने वास्ते कैमरे के सामने तो आप भी बड़ी जल्दी बिक जाते हो ना। अम्मी क्या मोमबत्ती उठा के ला रही है? मैंने पहने मोमबत्ती तो बारी नहीं थी, केक काट से मुड़े तक है, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। वो मैं बाल के तरी तो तू ले अपनी, मैं देखी नहीं ना। चले फूंक मारे इसको, ताली ज्यादा हो गई। Happy birthday यार। ये मैंगो लस्सी कहाँ से आई है? फिर साथ में कुछ खाना भी ऑर्डर कर देना था ना। खा पी के बिरयानी खा गए, खा गए, खा गए, ये तो ये तो बस इसकी कमी थी। इसकी कमी थी। ये भी दिकार बनी पई है, भी पीरन ये भी अम्मी आपको बना के दे सकते थे घर में, है ना अम्मी? मैं कह अम्मी ने वहत ना करना पड़ा। नहीं दिल्ला ने बनाई हुई है, ये जग विच पई हुई है। चलो मैं ताड़ा सोचे अम्मी, मैं है अपने अम्मी ने ड्रिंक नहीं ऐसी ताकि उसे मेहमान आए ने तो बनाई है ना। ते दिल्ला दी है दूजा जो मैं ठहर के बना लिया दा, हम छिल्ले भी पेश ने कहा बकर ने जरा जल्दी की है। अब बकर नु जे तावण हुंदी है ना बाहर मंगवाने दी कार पावे चीजा पई। मैं तो ताड़े वास्ते कीता, मैं आज फिर दो पेटियां अंब लेके आई। वेरी गुड अम्मा, वेरी गुड। तो आज का व्लॉग अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल अम्मी लोग जो हैं वो एक शादी पे भी जा रहे हैं, तो देखते हैं कल व्लॉग हम ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि कोई वजह ना हो कि व्लॉग ना हो इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो मतलब यूजुअल चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं वो कर दिया करें ना, मतलब हर बार बताना ज़रूरी तो नहीं होता ना। तो अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा कर रहा तारीफ।